हेलो जी, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आपके साथ जैसे कि मैं नई वीडियो रोज़ाना लेके आती हूँ, इन पागलों की वीडियो देखती हूँ, पेंडू लोगों की, और आपको सारी वीडियोस के बारे में बताती हूँ। तो अभी कि इनका फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है, इनके आए दिन नए नए लोग, ये कि हर बंदे का एक एक चैनल तो है ही है चैनल पे, क्योंकि ओबियसली इनका रिजल्ट चल रहा है, उनकी ज़िंदगी चल रही, काम तो वो देखें कोई करता नहीं है। जो गिटको इंसान है, बिना गर्दन का आदमी, जिसकी गर्दन है ही नहीं है, नेकलेस है वो, तो जिसकी गर्दन शुरू से नहीं है, पता नहीं पैदाइश के टाइम की नहीं है कि बाद में नहीं है, वो कोई काम करता ही नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, कभी मोटरसाइकिल को उठा लेता है तो मोटरसाइकिल की कापियाँ लेने जानी है, कभी वो कहता है मोटरसाइकिल मुझे किसी ने भेजी है। मुझे तो उसकी कोई समझ नहीं आती है कि वो लोगों को सिर्फ ड्रामेबाजियाँ कर करके दिखाते हैं या वो क्या करते हैं, उनके हालात कैसे हैं। इतना ज़्यादा वो पैसा आदमी कमा रहा है ना यूट्यूब से, मतलब इतना ज़्यादा कि मतलब कोई भी हो यार, इतना पैसा कैसे कमा सकता है कि इन्होंने तो मतलब अन मचाया हुआ है। वीडियो यहाँ से लगती है तो व्यूज़ वहाँ से इनके गेन हो जाते हैं, ये हो जाता है, कमेंट्स इनके होते कोई नहीं है, व्यूज़ इनके इतने ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सब दो नंबरी चल रही है। दो नंबरी कैसे चल रही है कि जो इनका वो क्या है, बाजी बलून का आदमी है, आंटी बलून का, वो आंटी बलून के आदमी ने जी खुद काम शुरू किया। ओबियसली आंटी बलून उसको है, उसके कहने पे ये कि उसके अलावा उसका है ही कौन, है ना, बाजी बलून आंटी बलून के अलावा। आंटी बलून ने जो कहना है अपने बहन भाई उससे तो वो मिलता ही कोई नहीं है। अब बाजी बलून ही है जो सारा दिन उसके साथ होती है, नहीं होती है, रहती है, जो भी करती है, वट एवर। तो उसने अपना जो भी बाजी बलून के साथ ही जिंदगी गुजारनी, और जो बाजी बलून ने कहना है उसने वो ही करना है। अब बाजी बलून ने ये कहा कि मेरे भाइयों के चैनल बनाओ, मेरी बहनों के चैनल बनाओ, तो मेरी बहनों के बच्चों के चैनल, गूगलू वीर, तो मोगलू वीर, तो पता नहीं कौन कौन था वीर, वो बनाओ, तो उसने वो बना दिए। मतलब इन लोगों की एक मतलब इनकम इस पर काम नहीं करते। अब देखिए बुल्लड है, जो बुल्लड कहता है पहले मेरे हालात इतने ख़राब थे कि मैं अपनी ज़मीन पर हल चलाता था, फिर उसके बाद मैं लोगों की ज़मीनों पर हल चलाता था, मतलब मैं खेती बाड़ी करता था, फिर मैं लोगों की ज़मीनों पर खेती बाड़ी करता था, उसके बाद मैंने गौरकंद का काम किया हुआ है, मैं ज़मीनें मतलब मैं कब्रें खोदता था, मतलब पता नहीं वो क्या क्या नहीं करता था, मतलब उनके हालात नहीं ठीक थे ना, तो ये वही सब काम करता था। अच्छा, अगर हालात किसी के ठीक हो तो वे काम क्यों करेगा? हालात ना ठीक होने की वजह से सारे काम करता था। और उसके बाद ये है कि अब उनके हालात बेहतर हो गए हैं क्योंकि उनको हराम की कमाई आ रही है। मेहनत करके कमाई जो होती है ना खाने, वो हराम की नहीं होती है। जो मेहनत के बगैर के आप लोग एक तो अपना आप एक तो दिखा रहे हैं आपके इधर, और क्या दिखा रहे हैं अपने, एक एक मतलब एक घर होता है उसका भी पर्दा होता है। आप लोगों को फैमिलियाँ बनाई गई हैं, घर इसलिए बनाए गए हैं कि एक पर्दा बनाया गया। अगर आप लोगों को सब कुछ रिवील करना है कि दिखाना है दुनिया में आके सबको सब कुछ, तो आप लोग सड़क पर ना बना दिया जाए इंसान को, कि उसको घर बनाने की जरूरत नहीं होगा। एक घर होता है, एक पर्दा होता है, घरेलू बातें होती है, अपने होते हैं, अपनों की बातें होते हैं। इनके इन चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने इनका तो बस नहीं चलता कि वाशरूम में जब जाते हैं वो भी अपना दिखा दें कि जी भाई हम जी वाशरूम से आ गए हैं जी, हूँ असं वाशरूम करा तो जिदा की अगर सूरत हाल होंगी है तो अपने भैन भरावान शेयर करते हैं, जिदा सूरत हाल होती जाती है शेयर करते हैं, किन्नी देर मैं वाशरूम से बैठा वहाँ है, मैं तुम्हें दस दा वहाँ, अच्छ मैं बहुता खा लिया सगा तो मेरा पेट खराब है, तो अच्छे इसल मैं बहुता टाइम लग गया वा, नहीं तो मैं वाशरूम से इन्ना टाइम नहीं लाता हूँ। तो कोई गल नहीं, जिदा की अगर सूरत हाल होंगी अब देखिए बुलड़ी जी हैं, तो बुलड़ी जी हैं, बुलड़ी जी का तो काम ही ये है, बुलड़ी है, पेंडू है, गलत औरत है वो, नहायत घटिया औरत है। ठीक है जी, जो घटिया औरत है जी, वो उसने भी ये कि उसकी बात जो बाजी आंटी बलून का खसम है उसकी बात ये कि जितना सारी सूरत हाल होती है साढ़े बहन भाई फिर शेयर करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो बुलड़ी का काम ये है कि बुलड़ी ने भी वही काम पकड़ लिया, जो आगे सूरत हाल होती है हम सारे बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं, जो आगे सूरत हाल होती है हम सारे बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं, मतलब ये ही सूरत हाल होती है वही शेयर करते हैं। चले थे इनकी तो बातें इनके साथ रहीं। जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, बिना गर्दन का आदमी, आपको तो पता ही है मैं किसकी बात कर रही हूँ, बुल्लड की बहन का आदमी है वो, जिनके घर एक नया नया ताज़ा ताज़ा बेबी भी पैदा हुआ था। अब तो खैर बासी हो गया है क्योंकि बेबी को पैदा हुए भी मेरे ख्याल से महीना डेढ़ महीना हो गया, बासी हो गया। पहले उस बेबी के सर पर बहुत व्यूज़ लिए गए हैं, बहुत ज़्यादा उसको नशर किया गया है दुनिया जहान में, कि स्पेस में भी उसकी तो बातें चली गई थी कि ये देखें जी मखलूक दुनिया पर पैदा हुई है, वो बिना गर्दन के आदमी की औलाद है और उसकी गर्दन
है। बड़ी बात यह है कि वो बिना गर्दन के आदमी की औलाद है और उसकी गर्दन है। दुनिया में ये बात अखबारों में आ गई कि जी बिना गर्दन के आदमी के एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी एक छोटी सी नन्ही सी 2-1 इंच की गर्दन है। बच्चे की गर्दन छोटी होती है ना तो उसकी गर्दन है, और उसका बाप इतना बड़ा हो गया हुआ जो कि साइडों पर फैल रहा है, ऊपर को नहीं फैल रहा। अगर वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ग्रोथ करे तो उसकी शायद गर्दन भी टुक करके बाहर को निकले। जैसे अक्सर बच्चे होते हैं उनके पास खिलौने होते हैं तो उनकी गर्दन ना ऐसे करके करते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे जो बचपन में खेलते रहे हैं खिलौनों के साथ, तो हर कोई बच्चा खेलता रहे तो उसके सिर पे मारो ना गर्दन अंदर घुस जाती है, तो जब वो वैसे कर टुक टुक आवाज आती है गर्दन बाहर को निकल आती है। तो अगर वो मैं तो कहती हूँ उसको चाहिए अपना नाक बंद करे ना अपना उसे मुँह में वापरे फू करके, तो फिर ना एकदम से उससे भी गर्दन बाहर आ सकती है उसकी। खैर उसका मसला करके देख ले तो आ जाएगी, अगर उसको ऐसे ही जीना है तो कोई नहीं ऐसे ही जीता रहे। अच्छा जी, अब उन्होंने नया काम ये शुरू किया है, क्या वो बच्चे से वीडियो शुरू करवाने लग गया? बच्चे को जैसे असेंबली में खड़ा करवाते हैं, खड़ा हो जाता है अज मैं वीडियो स्टार्ट करने लगा वहाँ तो बच्चे ने पंजाबी ठेठ आँदी है, उन्होंने कोशिश करते हैं सीखे उर्दू बुलाइए, लेकिन वो बच्चा एडा ठीक ठाक उर्दू नहीं बोल के राजी। चलो नहीं बोल के राजी तो नहीं बोल के राजी, तो बच्चा ये बनाता है कि अब इसलिए कि उनको आगे करना है ना इसलिए उनसे वीडियो बनवाने लग गए हैं। अब कोई ख़ास बात तो है नहीं है इनके पास दिखाने की, अब कपड़े खोल के बैठ गए, देखो जी सानू किन्ने किन्ने भैन भरावों ने गिफ्ट भेजे आते की भेजे आते पता नहीं, हूँ इन्हों का यह ड्रामा ही नहीं मुक रहा। बच्चा इन्हों का व्डा भी हो गया वा, एडा वा हो गया, जवान हो गया, नौकरी तो भी हूँ लग गया वा, तो खेतीबाड़ी की नौकरी उन्होंने मिली है, रोज़ इन्हें 2-3 पौधे कट कुट के आता घर छोटा ना हले, तो कोई नहीं। खैर यही है कि बात मतलब कोई ख़ास है नहीं उनके पास, कोई चूल्हा साफ करने बैठ जाती है वो कि चूल्हा साफ कर रही है, देखो जी मैंने तो इन्हें कम ही नहीं कर दिता, इन्हें कम की दिखाता शुमहरा ने तो पता नहीं किन्ने, तो को काम कोई नहीं है ख़ास को कोई मतलब है ही नहीं है उनके पास ना दिखाने के लिए। बच्चों को पढ़ाने बैठ जाता है तो बच्चों ये देखें इसके आगे क्या आता है, बच्चे को है जो उर्दू में बोल रहा है लेकिन बच्चा कहता है दसब हो गए थे आगे की आना हुआ, मतलब आप उसने बड़े आराम से कहा देखें बेटा आगे ये पढ़े हैं आप, कहता है दसब ये तो आगे की आ, मतलब इतना का जहल बच्चे हैं उनको पता नहीं किस चीज़ पर दिखा रहा है, मतलब उनको खुद नहीं पता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मतलब पेट्रोल पंप पे भी अगर वो बंदा जा रहा है ना तो पेट्रोल पंप पे भी जाके उसने वीडियो बनानी है, तो पेट्रोल पंप वाले भी कहते हैं आ जाना बिना गर्दन का आदमी ने उन वीडियो ही बनानी है इतने, तो मतलब ये तो सारी जगह मतलब और इन्हों के कारनामे तो पहले ही माननी है, मोटरसाइकिल पे बैठेंगे तो मोटरसाइकिल पे भी बैठ के इन्होंने वीडियो बनानी है, तो एक पूरी मतलब इनके एक घर में अगर एक कीड़ी भी आ गई ना तो इन्होंने उस पर पूरा इंटरव्यू एक उसका लेना है, उसका इंटरव्यू इन्होंने न्यूज़ चैनल पे चलाना है, कल अखबारों में छाप देना है, उसके बाद इन्होंने उसका इंटरव्यू ना हर जगह पर नशर कर देना है, पूरी बुक लिख देनी है, इनका बस ना चले टी वी के कार्टून भी अपनी ज़िंदगी में बना लेंगे, चाहते सारी दुनिया हमें देखे हम ऐसी ऐसी हरकतें कर मतलब बुलड़ी ये वो ये बुलड़ वगैरह ऐसी ऐसी हरकतें इसलिए करते कि सारी दुनिया हमें देखे। अच्छा जी, अगली बात ये है कि जो मोटा या बंदा है बिना गर्दन का बंदा है एडा वड़ा उसका ढेड है, तो देख लें अपनी ढिड के पास से अगे को नहीं डिगता, चलो मुँह भी वो वाहवा वड्डा था गर्दन तो है ही नहीं ना उसकी, मेरी गर्दन से उसका इतना होता है कि तू मालिश कराया कर अपनी गर्दन की, इतना तो पैसा कमा रहा है कि कुछ तो करके तेरी गर्दन थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तेरी गर्दन ही नहीं बड़ी हो रही, तेरी गर्दन ज़रा भी नहीं है, या हो ना किसी की गर्दन थोड़ी सी बड़ी हो तो बंदा छोटी हो मोटी हो गुजारा कर लेता है, एक सीरियसली अगर किसी की गर्दन नहीं है तो उस बंदे से बड़ी उलझन नहीं लग जाती यार, ये गर्दन के बगैर ये खाना भी है कैसे अंदर जाता है इसका, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि उसकी गर्दन मतलब अंदर को बंदा ठुक जाए तो बंदा बड़ा अजीब सा लगता है, बंदे को अपने आप से उलझन होने लग जाती है कि मेरा वेट ज्यादा हो गया मैं बंदा ठुक गया हूँ अंदर को, मैं एक्सरसाइज करूँ तो खाने पर ठग बंदा मैं तो खाता भी रो रो के ही है, तो जी रोटी लेने वो जा रहा है तो बच्चों को कह रहा है बेटे तू किन्नी रोटी खाएगा, बेटा तू किन्नी रोटी खाएगा, बेटी तू किन्नी खाएंगी रोटी, तो बेटी ने बेचारी ने कहता अब्बा मैं तो 2 रोटियां खानिया वा, तो इनिया दुखियां तो 2 रोटियां खाएंगी हस हस के, तो पता नहीं टोटल 5 रोटियां वो लेके आया है, तो चिकन पकौड़ा उन्होंने लियाना से, चिकन भी बेचारा परेशान हुआ था जो मेरा पकौड़ा तो बनना है लेकिन जिनों के पास मैंने जाना है उन्होंने मेरा पकौड़ा पकौड़ा सब कुछ ही बना देना है, तो वो आस लग गया अज मैं हूँ रोटियां पैक करा लिया ने साड़ियाँ रोटियां लग गई ने ओनली मैं 5 रोटियां लिया ने, बंदे वो 5 हैं तो रोटियां वो सिर्फ 5 लेके जा रहे हैं घर में, चलो छोटा बच्चा नहीं खाता वैसे छोटा बच्चा उनका बच्चा खा वो सब कुछ सकता है लेकिन क्या जरूरत है जुलम करने की, उस पर नहीं खाता तो नहीं खाता नहीं उसका मूड तो बाकी उन्हें तो खानी है ना, रोटी भी 5 सिर्फ लेके जा रहा है इन्ना कमा रहे हो तुम लोग, मैं कहती हूँ ये तो अपना वाशरूम में जाना भी दिखा
दिखा दें, सब कुछ ही दिखा दें, बेचारे अपने आप पे पता नहीं कैसे जब्त करके कंट्रोल करके बैठे हुए हैं कि वो अपना आप नहीं इतना दिखा सकते हैं। तो खैर इन लोगों की ये हरकतें हैं, ये हरकतें लोग रह नहीं है, इन्होंने बदलना कोई नहीं है। जैसे जैसे देखती जाती हूँ मैं आप तक बात पहुँचाती जाती हूँ, आगे पहुँचाती रहूँगी। फिलहाल आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, आपकी दोस्त मधुरी, फिर मिलूंगी आपसे नई वीडियो के साथ।